लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। मैं इस विश्वास के लिए मध्य प्रदेश की जनता को नमन करता हूं और हम पर जो भरोसा रखा है, चाहे हम पंचायत में हो या पार्लियामेंट में हो, हम जनता जनार्दन के विश्वास को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो पार्लियामेंट के मेंबर बचे थे, सिर्फ दो। अटल जी समेत सब लोग चुनाव हार गए और तब के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाते थे, दो या तीन बस, दो या तीन बस, ये मजाक और सुनना पड़ता था। अरे संजय भाई, एक जमाना था जो दल 400 से भी अधिक सीटों लेकर के बैठा था, वो दल आज 40 में सिमट गया। हमने अपनी गलतियों पर झोंका, हमारी दिशा सही थी कि नहीं थी उस पर मंथन किया, ऊपर से नीचे तक सबने किया, जनता से भी पूछा, पत्रकारों से पूछा, साल भर मनोमंथन किया कि इतना बड़ा घोर पराजय कैसे हुआ। वैसे उस चुनाव को हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने औरों को दोष नहीं दिया। और आज स्थिति ऐसी है, 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश को दी, एक के बाद एक संसद में जो निर्णय हुए हैं और उसमें भी काले धन के खिलाफ जो कठोर कानून बनाया है, उसके कारण जो हवालाबाज है वो परेशान है। हमने अनेक अहम कदम उठाए और ये सरकार ऐसी है कि जिन योजनाओं की बात करती है उसकी योजनाओं को लागू करने का रोडमैप के साथ आती है। सिर्फ कानून बना देना, उद्घाटन के फीते काट देना, दिए जला देना, वहां पर अटकने वाली ये सरकार नहीं, उसको घर घर तक पहुंचा करके लागू करने के लिए प्रयास करने वाली सरकार। ये हवालाबाजों का खेल चलता था, हमने सीधा डाल दिया। 5 करोड़ लोग मिलते ही नहीं है जिनको हम देना चाहते हैं और उसके कारण सरकार की तिजोरी में करीब करीब 19,000 करोड़ रुपया हर वर्ष बचेगा।